नमस्ते। ओशो ज़ेन टैरो के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग की, और द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग को हम कंपेयर कर रहे हैं थ्री ऑफ वॉन्ड से, जो कि राइडर वेट का कार्ड है। तो एक्सपीरियंसिंग को समझने से पहले थ्री ऑफ वॉन्ड्स को समझेंगे। थ्री ऑफ वॉन्ड्स जो राइडर वेट का कार्ड है, उसमें हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है समुद्र की तरफ देख रहा है, और ये इन कॉन्टिन्यूएशन विथ टू ऑफ वॉन्ड्स है, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स में उसने अपनी जो ऊर्जा है वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट करी थी। ये भीतर के जगत में भी हो सकता था, ये बाहर के जगत में भी हो सकता था, लेकिन उसने अपनी ऊर्जा जो है किसी स्तर पे जो है इन्वेस्ट करी है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हम क्या देखते हैं कि जो ऊर्जा जो उसने टू ऑफ वॉन्ड्स में लगाई थी, थ्री ऑफ वॉन्ड्स में जो है उसका रिजल्ट हमें दिखता है आता हुआ। थ्री ऑफ वॉन्ड्स में हम देख सकते हैं कि जो शिप्स जिसका उसको इंतज़ार था, जिस मोमेंट का उसको इंतज़ार था, वो आ गई है। और हम देख सकते हैं एक तरह का सक्सेस और एक तरह का अचीवमेंट इस कार्ड में हमें देखने को मिलता है। ये कुछ हद तक जो है कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग के साथ कंपेरेबल है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अगर एक्सपीरियंसिंग के एस्पेक्ट को हमें इसके साथ जोड़ना होगा, तो हम देख सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है सक्सेस को एक्सपीरियंस कर रहा है। ये जो इसने एक्सपेक्टेशंस रखी थी, वो इसकी एक्सपेक्टेशंस जो है पूरी हो गई हैं, वो हमें इस कार्ड में दिखता है, और इसी चीज़ को वो एक्सपीरियंस कर रहा है। तो आइए समझते हैं द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग को। कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग को जब मैं देखता हूँ तो इसको देख के मुझे नाइन ऑफ पेंटिकल्स की याद आती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दोनों कार्ड्स जो हैं वो बहुत ही कहीं ना कहीं सिमिलर नेचर के हमें दिखेंगे। नाइन ऑफ पेंटिकल में भी ये जो एक फिगर जो दिखाई है, जो इसमें जो वुमन जो फिगर दिखाई है, वो उन पेंटिकल्स को एक्सपीरियंस कर रही है। वो पूरी उसके अंदर मर्ज्ड है, वो पूरा उसको एंजॉय कर रही है। और जो कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग में जो हम देखते हैं फिगर को, उसमें हम देखते हैं ये जो वुमन जो है वो पेड़ को हग कर रही है, पेड़ को जो है गले लगा रही है, और वो गले लगाने में इतना कंप्लीट है, वो इतनी मर्ज्ड है कि उसके और पेड़ के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया है। और वो एक्सपीरियंस कर सकती है उस पेड़ को गले लगाना, कि वो उसको गले लगा रही है, और साथ में वो ये भी एक्सपीरियंस कर सकती है कि जो पेड़ है वो वापस उसको गले लगा रहा है। कार्ड का जो गहरा मतलब है वो यही है कि हर चीज़ जो आपके आसपास है, फिर चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे वो पशु पक्षी हों, वो कुछ भी हो, वो अपने आप में जो है उनके अंदर जो है एक तरह का जीवन है, और वो आपके जीवन के साथ कॉन्स्टेंटली कम्युनिकेट करते हैं। जो भी भाव आप जो है उसके प्रति भेजते हैं, वही भाव जो है आपके प्रति वापस आ जाता है। इन सब वस्तुओं में सबसे ज़्यादा जो तरल है वो है पानी, जिसको हम जो है बिल्कुल आँख बंद करके जो है बस पी लेते हैं, उसको फील नहीं करते हैं। पानी को पीने से पहले अगर हम उसको जो है प्रेम पूर्वक उसको जो है अपनी वाइब्रेशंस उसके अंदर भेजें, तो वही पानी जो है वरदान का रूप सिद्ध होता है। वही पानी जो है आपको जीवन भी देता है और आपकी आत्मा को तृप्ति भी देता है। हुआ क्या, आपने अपना जो जीवन है उस पानी के साथ जो है मर्ज कर दिया, उस पानी के साथ मिला दिया, उसकी ऊर्जा के साथ एक हो गए। इसको हम कहते हैं एक्सपीरियंसिंग, कि जब आप जो है एक्सपीरियंस के साथ एक्सपीरियंसियर हो गए, कि आप नहीं बचे कि सिर्फ एक्सपीरियंसिंग बचा। ये दो शब्द हैं, एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंसिंग। जब भी आप कुछ करते हैं, जैसे आपने पेंटिंग बनाई या फिर आपने डांस किया, और उस पेंटिंग का और उस डांस का जो अनुभव है वो आपने अपने माइंड में रजिस्टर कर लिया, अब ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस रह गया। अभी क्या हुआ कि वो जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंसर से अलग हो गया, वो एक्सपीरियंसिंग से अलग हो गया। जिस दिन जो है आपका जो कृत्य है और आप हो, जिस दिन आपका कृत्य और आप जो है एक हो जाओगे, उस दिन जो है एक्सपीरियंसिंग घटित होती है। एक्सपीरियंस जो है वो माइंड का अनुभव है, एक्सपीरियंस जो है ईगो का अनुभव है। ईगो अपने अंदर जो है ये सब एक्सपीरियंस इकट्ठे करना चाहता है, लेकिन एक्सपीरियंसिंग कुछ ऐसा एक्ट है कि जिसके अंदर जो है आपका एक्ट और आप दोनों में कोई डिफरेंस नहीं रह गया, आप दोनों मर्ज हो गए हो, कि डांस और डांसर जो है वो मर्ज कर गया है, पेंटर और पेंटिंग जो है वो मर्ज हो गई है। वो जो एक्ट है उसको हम एक्सपीरियंसिंग कह रहे हैं। कभी आप खुशी अनुभव करते हैं, कभी दुख अनुभव करते हैं, कभी सक्सेस अनुभव करते हैं, कभी फेलियर अनुभव करते हैं, कभी आप ऊपर कभी नीचे, कभी प्रॉब्लम में कभी सोल्यूशन में, लेकिन इन सभी चीज़ों में आप नहीं हैं, ये आपका सारा एक्सपीरियंस है।
बात मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही आप कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जैसी कोई चीज़ जो है आपसे अलग हो जाती है, उसी वक्त जो है वो आपका जो है पार्ट नहीं रही, वो श्रृंखला जो है कहीं ना कहीं टूट गई। लेकिन अगर वो श्रृंखला बनी रही, वो जो एक्ट ऑफ क्रिएटिंग है, जिस एक्सपीरियंस से आप गुजर रहे हो, अगर उस एक्सपीरियंस को जो है आपने अपने से अलग कर दिया, तो वो आपका हिस्सा नहीं रह जाती। लेकिन वही एक्सपीरियंस जो है अगर आपके साथ मर्ज हो जाता है, तो वो एक्सपीरियंसिंग हो जाता है। इसलिए इस कार्ड में जिस तरह से जो है इस वुमन को जो है ट्री को हग करते हुए दिखाया है, वो अपने आप में एक बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आपने आज तक जो है किसी पेड़ को हग नहीं किया, या आपके घर में जो एक पौधा लगा हुआ है उसको प्रेम नहीं किया, तो आपको करना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको महसूस करना चाहिए। क्योंकि जो आप प्रेम उसको दे रहे हैं, वही प्रेम जो है आप महसूस भी कर सकते हैं। क्योंकि एक्सिस्टेंस, क्योंकि यूनिवर्स जो है आपको वही ऊर्जा जो आप हो वो आपको वापस देता है। उस दिन जो है आपको रियल एक्सपीरियंसिंग का पता चलता है। और ये कार्ड आपको जो है इसी के लिए प्रेरित करता है कि एक्सपीरियंस में मत पकड़े रहिए अपने आप को, एक्सपीरियंस में मत अटक जाइएगा, अपने ईगो में मत अटक जाइएगा, एक्सपीरियंसिंग तक जाइएगा, कि अपने आप को उसमें मर्ज होने दीजिएगा, कि अपने आप को उसमें बहने दीजिएगा। उस बहने में जो है एक गॉडलीनेस है। तो गॉड है या नहीं है इसका नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है गॉडलीनेस है, ये गुरु ओशो कहते हैं। तो जब भी आप कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये एक्सपीरियंस किया, मैंने वो एक्सपीरियंस किया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा इनमें से आप कुछ भी नहीं है, आप इन सब से बियॉन्ड हैं, आप जो हैं एक्सपीरियंसर हैं, आप जो हैं एक्सपीरियंसिंग है, जिसको जो है हम पार ब्रह्म कहते हैं, द अल्टीमेट रियलिटी। और उसी अल्टीमेट रियलिटी को जो है एक्नॉलेज करना है, उसी अल्टीमेट रियलिटी को जीना है। कार्ड का मैसेज यही है कि अपने आप को जो है अपनी ईगो तक ही मत सीमित रखिएगा, उसके पार जाइएगा, कि आपको जो है इसके बियॉन्ड जाना है। इस मन और शरीर के पार जो रियलिटी है वो आपका होना है, यही कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग का मैसेज है। एक बहुत सुंदर ताओ परंपरा की एक स्टोरी है, कहानी कुछ ऐसी है। इस राजा को हिमालय के पहाड़ बहुत पसंद थे और वो अक्सर जो है उन पहाड़ों में घूमने जाया करता था, उनमें खो जाया करता था। इस राजा को उन पहाड़ों से बहुत लगाव था, उन पहाड़ों से बहुत प्रेम था, और उसका मन था कि वो वहीं बस जाए, लेकिन राज्य के होने के कारण जो है वो वहाँ जा नहीं पाता था। लेकिन एक ख्याल ज़रूर उसके मन में आया, उसने जो है अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध चित्रकार पेंटर को जो है बुलाया और उसको बोला कि जो मेरी बेडरूम की जो वॉल है उस पर जो है तुम हिमालय के उन्हीं पहाड़ों को बना दो जो मुझे पसंद है। चित्रकार जो था वो राजी हो गया और उसने काम शुरू कर दिया। कहते हैं कि चित्रकार ने 2 से 3 साल जो है उस चित्र के ऊपर काम किया, जितनी वो डिटेलिंग कर सकता था, जितना उसको जो है निखार सकता था उस पेंटिंग को, उसने जो है वो काम कर दिया। और जितने टाइम वो काम करता रहा, उसने जो है वो पर्दा जो है वहाँ पे लगा दिया ताकि कोई उसको देख ना सके, क्योंकि वो चाहता था कि जब उसका काम कंप्लीट हो जाए तो राजा ही उसको देखे। फिर वो शुभ घड़ी भी आई कि जब इस चित्रकार का जो है काम पूरा हुआ और उसने फाइनली जो है राजा को बोला कि अब आप आ सकते हैं और देख सकते हैं, तो पर्दा हटाया गया और उस राजा ने जब वो चित्र देखा, वो उसमें जो है खो ही गया। वो घंटों उसको देखता रहा, सब उसकी इंतज़ार में थे कि वो क्या कहेगा, लेकिन उसके पास शब्द नहीं थे। फिर एकदम से उसके अंदर से एक बात निकली, उसने कहा कि ये जो तुमने रास्ता बनाया है, ये मैंने कभी देखा नहीं, मैं इन पहाड़ों में गया हूँ और मुझे ये जगह भी पता है, लेकिन ये रास्ता मैंने कभी नहीं देखा, ये रास्ता जो है कहीं घूम रहा है, कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है ये रास्ता। तो जब उसने जो है ये बात चित्रकार को बोली, चित्रकार ने कहा कि हाँ ये रास्ता कहीं जा तो रहा है, आप रुकिए मैं देख के आता हूँ, मैं बताता हूँ कहाँ जा रहा है। तो कहते हैं चित्रकार जो है पेंटिंग के अंदर जो है प्रवेश कर गया, जो उसने वॉल में जो पेंटिंग बनाई थी उसमें प्रवेश कर गया और वो उस रास्ते के ऊपर चलने लग गया और वो पता करने चला गया कि वो रास्ता जाता कहाँ है। अब स्टोरी तो ऐसी कहती है कि ये जो चित्रकार है अपनी चित्रकला के अंदर जो है खो गया, उसके अंदर जो है गहरा चला गया, उसके साथ जो है मर्ज हो गया। अब ये घटना घटी या नहीं घटी वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस स्टोरी का जो मर्म है वो ये है कि जब आप कुछ क्रिएट करते हो या फिर जो आप एक्सपीरियंस करते हो, जब उस एक्सपीरियंस के साथ एक हो जाते हो, जब उस एक्सपीरियंस के साथ मर्ज हो जाते हो,
तब जो है असली में आपको एक्सपीरियंसिंग का जो है अनुभव होता है, जो कि इस चित्रकार को हुआ। तो इस वीडियो के थ्रू मैं भी आपको मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपनी क्रिएशन से दूर मत रहिए। आप जो भी कर रहे हैं, जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, कुछ भी कर रहे हो, उसके साथ जो है पूरा मर्ज हो जाए। उस मर्ज के अंदर जो है, जैसी वो मर्ज घटेगा, जैसी जो है वो एक्सपीरियंसिंग घटनी शुरू होगी, आप देखेंगे कि आप इस बॉडी और माइंड से जो है थोड़ा सा बियॉन्ड चले गए, कि एक नए आकाश में जो है प्रवेश कर गए। तो इस वीडियो का मैं यही अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।